नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो अभी सुबह की खाना सब्जी बन रही है और हम काटे हैं भुजिया आलू की, यहाँ पर चढ़ा दिए हैं खाना, एक खदक रहा है और इधर हम चढ़ाए हैं भुजिया, इसको भी साथ में भूजते जाएंगे, दोनों तरफ चढ़ा दिए थे। और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे तैयार होकर के आ गए हैं स्कूल जाने के लिए और ये सान रहे थे मैदा जो समोसा बन। फ्रेंड्स, अभी सभी कोई चले गए हैं अपने अपने कामों पर, इनके पापा चल गए हैं सौदा वौदा लाने के लिए और बच्चे तो स्कूल चल गए हैं। खाना पीना सभी खा लिए हैं, बस हम नहीं खाए हैं, तभी हम भी खाएंगे। चलिए पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, अभी हम अपने लिए खाना निकालेंगे। खाना पीना सब बन गया है, तो चलिए क्या क्या बना है आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। अभी लाइट आया है दोस्तों, नहीं तो इतना ज़्यादा अंधेरा दिखता है। तो देखिए, ये है भुजिया बनाए हैं और यहाँ पर देखिए साग की माड़ और साग वाला सब्जी बनता है, वो बनाया है। और ये रात की सब्जी है आलू बड़ी की और इधर खाना है, तभी हम खाना निकालेंगे। और आप लोग भी आ जाइए देसी खाना खाने के लिए, आज देसी दाल बनी है। खाना निकाल लेते हैं अपने लिए, उसके बाद खाने के और इधर रोहन देखिए, ये भी खाना खा लिया था और अभी हमको भी खाना खाने नहीं दे रहा है। ये है साग, इसको ले लेंगे। टमाटर डाले हैं थोड़ा ज़्यादा, कहे कि साग की कोई भी सब्जी हो टमाटर रहता है तो अच्छा लगता है। टमाटर थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, सिंपल सा खाना सब्जी बना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए खाना खाने के लिए, देखिए माड़ की सब्जी और भुजिया और खाना, तो बहुत ही टेस्टी खाना बना है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पर हम रखे थे देखिए आलू और बड़ी की सब्जी, ये रात की है, रात में मसाला वाला सब्जी बनाए थे। तो चलिए खा लेते हैं, अभी लाइट भी आया है, मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, चार्ज में चढ़ा देंगे। खाना वाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हमारी थाली लग गई है, बस खाने बाकी है, तो चलिए खाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, सुबह की टाइम है ये, कल की सुबह और आज की सुबह दोनों दिनों का सुबह की ये वीडियो है। कल की सुबह वाला भी मतलब आप लोग देखें और ये दूसरे दिन का सुबह की वीडियो है। तो कभी कभी ना हम शूट भी नहीं करते हैं दोपहर में, तो दिखा नहीं पाते हैं, और ये सुबह सुबह की दो दिन का वीडियो है। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और बताइएगा कमेंट में कैसा लगता है हमारा वीडियो, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमारे सपोर्ट भी मिलेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमसे जुड़ेंगे और हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं, सब जगह की झाड़ू उड़ू लगाने के बाद हम यहाँ पर जमा करेंगे और इसको एक साथ ही उठा करके फेंक देंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा कचरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कल भी हम शाम को झाड़ू लगाए थे और नहीं फेंके थे, अभी सुबह के बर्तन भी नहीं धुलाया है, बर्तन भी पड़ा हुआ है, अभी झाड़ू लगाएंगे। चांदनी अभी बर्तन धो देगी, क्योंकि अभी ये बर्तन धोएगी और हम खाना वाना बनाएंगे, तो दोनों जन हम मिल करके काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और आज ना आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रेंड्स है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी बाल की खोपा हमको देखना है, जूड़ा बनाते हुए देखना है, तो मैं बनाई हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा। आज मैं जूड़ा बना करके दिखाई है, सिंपल सा जूड़ा मैं घर पर बनाती हूँ ना वही, और कमेंट में बोलते हैं कि आप पहले से ही खोपा बना लेते हो लेकिन हमको दिखाते नहीं हो। पता नहीं कितना ज़्यादा उनको पसंद है मेरा ये जूड़ा बनाना यानी खोपा बनाना, तो आज देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स ऐसे रिक्वेस्ट बार बार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ना बाल झड़ाने के लिए मुझे टाइम उतना फुर्सत नहीं रहता है, जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ, मैं आधा बाल को सुलझाती हूँ आधा बाल को नहीं भी सुलझा पाती हूँ, तो इस तरह से मैं बाल कंघी करती हूँ। आराम से बाल कंघी करने के लिए हमको टाइम भी नहीं मिलता है, तो हम नहीं बना पाते हैं और नहीं भी दिखा पाते, इसी के कारण आपको आज तक मैं दिखाई नहीं थी। पहले तो
फुर्सत भी मिलता था, लेकिन अब और भी फुर्सत नहीं मिलता है। घर पर इतना ज़्यादा काम है कि क्या बताएं, तो इसके वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे थे। और आप भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं मेरे से, बहुत ज़्यादा बातें भी कही हैं आपने कि हम गुस्सा हो गए हैं आपसे, नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप गुस्सा हैं हमको पता है, लेकिन हम गुस्सा नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं काम में कितनी बिजी रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये सुबह सुबह लगे हैं, ये हमारे मक्का है, इसमें बोदी मक्का भिंडी वगैरह डाला हुआ है, तो इसको आज मौका मिला है इसको खोपने खापने की, तो ये खोप रहे हैं इसको। उसके बाद यूरिया देंगे, DAP यूरिया मिला करके, और इसको छोड़ देंगे। उसके बाद ये अच्छा से आएगा ऊपर, मतलब हमारे ये पौधे अच्छे से बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पर कोहड़ा ओहड़ा भी बीच में डाला हुआ है, सभी चीज़ मिक्स करके, बोदी कोहड़ा ये सब, गोंगरा वगैरह, झींगी गोंगरा, सनई तो साइड में है, यहाँ मक्का उक्का सब डाला हुआ है, तो सभी को खोप दे रहे हैं। फिर यूरिया DAP दियो मिला करके फिर इसमें मार देंगे, तो फिर ठीक हो जाएगा। अभी सुबह का टाइम है, सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हैं, कोई पानी ले जा रहा है, कोई गोबर फेंक रहा है, कोई बैल बकरियाँ को इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या क्या अपने अपने काम पर लगे हैं। तो देखिए यूरिया और DAP दोनों मिला करके फिर इसको दे देंगे मक्का सब में, तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। और अभी ये जाएंगे, देखिए मिला रहे हैं कैसे, और ये जा रहे हैं, देखिए इस तरह से पूरे अभी छींट देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखिए पूरा खेत में हमारा कुछ ना कुछ डाला हुआ है, लेकिन घास इतना ज़्यादा है ना कि क्या बताएं, घास निकालने नहीं पा रहे थे। आज सुबह के टाइम में थोड़ा सा घास निकाल दिए हैं, और उसके बाद ये खोपा लगा दिए, तो और भी बढ़ेगा, तो उसको हम बीच देंगे सारे घास है ना उसको। उसके बाद मैं आई थी घर, और अभी कट कर रहे हैं आलू, आलू की और बरी की सब्ज़ी आज बनाएंगे हम। यहाँ पर प्रीति भी आई है, सुबह उठ करके एक बार आ जाती हमारे पास और बैठ करके थोड़ा देरी बैठती है, चाय बनाते हैं तो चाय पीती है, उसके बाद ये चली जाती है। फिर स्कूल भी इसको जाना होता है, तो फिर ये चली जाती है, और हमारे काम भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अपने घर में भी करती है, फिर हमारे घर में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। तभी बैठ करके दोनों बातें कर रहे थे, और मेरा काम भी हो रहा था इधर सब्ज़ी बनाने की। तो इसको छीलेंगे पहले तो, और थोड़ा मीडियम साइज का आलू है, तो इसको छीलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और बड़ा होता है तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए अभी हम सभी आलू को छील लेंगे, उसके बाद चलेंगे किचन में कट करके, फिर धो लेते हैं और हम चलते हैं किचन में, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम मसाले वाला। तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, ताकि जल्दी से पक जाए। और इसमें टमाटर डालेंगे ज़्यादा, आज ना कोई भी हरा सब्ज़ी नहीं है घर पर, तो हमको लग रहा था कि क्या सब्ज़ी बनाएं, तो मुझे लगा कि चलो आखिर सोयाबीन बरी तो पसंद करते ही हैं बच्चे भी और बड़े भी, तो वही हम बना देंगे। तो जैसे हम सब्ज़ी उब्जी काटे, फिर धोए, फिर वहाँ पर जो छिलका था उसको फेंक दिए, और हम अभी जैसे ही सब्जी उब्जी हम धो लिए तैसे हमारा खाना बना था। तो फिर हम खाना भी पसा दे रहे हैं, उसके बाद हम सब्ज़ी छौंक देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्याज वाज भूंज लेते हैं, फिर यहाँ पर हम छौंक देते हैं सब्जी, टमाटर डाले हैं 3-4 जो छोटा छोटा है, और इसको पकने देंगे, फिर इसमें मसाला डालते हैं। देखिए हमारा सब्जी खदक गई है, सब्जी खाना सब बन के तैयार है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, इसको अच्छे से मिला देते हैं, फिर हम उतार करके रख देते हैं। अभी बच्चे स्कूल जाएंगे। फ्रेंड्स अभी खाना वाना खा लिए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, और एक फ्रेंड्स है ना बहुत दिनों से मेरे बाल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं अपना जो जूड़ा बनाती हूँ खोपा, तो वही देखना है उनको, तो आज मैं वही दिखा रही हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिए, और मैं कैसे खोपा बनाती हूँ यानी अपना जूड़ा बनाती हूँ आप लोग देखिए। और आज मेरा गला खाली खाली सा लग रहा होगा, टूट गया मेरा जो गला पर हम पहने थे। तो चलिए पूरे वीडियो पर बने रहिएगा, और फ्रेंड्स आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आज देखिए, और उसके बाद ऐसा कमेंट मत करिए कि मुझे मतलब बार बार कोई वीडियो बनानी पड़ी, एक ही वीडियो को बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ अपने बालों की जो जूड़ा बनाने वाला। तो फिर से आप मत करिएगा कमेंट, आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, तो आप पूरा वीडियो को देखिए और उसके बाद बताइएगा कि कैसा लगा मेरा जूड़ा यानी मेरा खोपा। तो चलिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को,
तो आप पूरे वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों आपकी इंतज़ार हुई ख़त्म, और यहाँ पर देखिए मैं बाल को अभी सुलझा रही हूँ, तो विशेष आपके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो में, शायद आप रिक्वेस्ट किए हैं कि आपकी बाल की जूड़ा बनाते हुए दिखाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोनों तरफ बाल को दो हिस्सा में बांट लिए थे और अच्छी तरह से इसको हम सुलझा लिए हैं, और उसके बाद हम इसको पीछे की साइड सारे बाल को समेट रहे हैं। हम ना बाल को अच्छे से नहीं सुलझा पाते हैं, उसके कारण आजकल बाल हमारे कंघी में आने लगे हैं और कम भी होता जा रहा है, क्योंकि मैं बाल को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरे बाल भी निकलने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से सारे बाल को पीछे की साइड ले आते हैं, फिर इसको हम खोपा बनाते हैं सिंपल सा, और उसके बाद इसको इस तरह से ढक देते हैं। बस हमारा खोपा बन के तैयार है, और देखिए लेफ्ट राइट सब तरफ से आप देखिए, क्योंकि आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हैं आप और मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही थी, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरा जूड़ा आप देखिए अच्छी तरह से, तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से मैं दिखाई हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर रोहन नहा लिया था, कपड़े उपड़े भी पहन लिया है, इसका बाल देखिए पानी पानी था, ये पोछा नहीं था, इसको हम अच्छे से पोछ दे रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा तेल डाल देंगे, क्योंकि हाथ पैर भी थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा था, तो थोड़ा हल्का हल्का हम तेल भी डाल देते हैं। उसके बाद हम सर में भी तेल डाल देंगे, और सर्दी जुकाम किया था इसको नहीं नहाने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक दो दिन अभी मत नहाओ बेटा बोल रहे थे, लेकिन ये मान नहीं रहा था, तो फिर नहलाना पड़ा हमको। और यहाँ पर हम कंघी कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद ये खेलते रहेगा, नहा धो करके ये ना खेलते रहता है दिन भर, और अपने से भी नहाने के लिए चला जाता है जब इसको मना करो तो इसलिए हम इसको रोज़ नहलाते हैं। लेकिन अभी सर्दी जुकाम की वजह से ना दो तीन दिन इसको हम नहीं नहलाए थे, ज़बरदस्ती इसको रोके थे, और ये तो नहाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दी करता है, पानी रहता है भरा हुआ जाके अपने से नहाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दुलार भी हो रहा था थोड़ा सा, थोड़ी देरी के लिए इसको हम गोदी किए, और उसके बाद देखिए आप लोगों से कुछ कह रहा था, लेकिन ये ना दुलार के वजह से हम बोल रहे थे कि इधर आओ और दोस्तों को अच्छे से बोलो, तो ये बोल रहा था कैसे हैं दोस्तों ऐसे पूछ रहा था। तो चलिए आज के लिए